रुपया लगा वहां पे। यस सर। रोल नंबर 1 आया जी। रोल नंबर 2 आया जी। रोल नंबर 3 सर जी, कल उनकी भैंस भी आ गई थी, वो खींच निकाल रहेंगे घर पे, वो नहीं आएंगे। एप्लीकेशन तो दी होगी उसने? नहीं दी सर जी, हमको मिलेगी था, फोन पे बात हुई थी। चलो रोल नंबर 4 यस सर। रोल नंबर 5 हाजिर हूँ सर जी। रोल नंबर 6 गुरु जी आपके दस्त लग रहे हैं। राजू तो एप्लीकेशन तो दी होगी उसने? होगा राजू, एप्लीकेशन सबमिट। रोल नंबर 7 यस सर। रोल नंबर 8 हाँ जी सर जी, यही यही बैठे हैं मैं तो। चल ठीक है। रोल नंबर 9 मास्टर जी, तो 5 दिन से अपने भूख भी नहीं मरवा काम का ना, स्कूल भी ना आवे, 4-5 दिन। अच्छा रोल नंबर 10 अरे रोल नंबर 10 कोई है? हाँ जी यही जी, यही तो बोलता क्यों ना, नींद आ गई। रोल नंबर 11 है जी सी जी, यहीं पे ही। हां भाई बाल को आज ही तो होगी, अब थोड़ा कुछ लिख पढ़ लो भाई। ओह नो। हां मैं माल को किताब निकाल ली, अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा मैं तुमसे। ओह नो। ठीक है, और मैं तू बता बहुवचन किसे कहते हैं? जी मैं बताऊं? हां जी। हां जी, जब बहू अपने ससुराल वाले को खड़ी होती सुना मैं ना, उसे ही बहुवचन गया मैं जी। अच्छा तो चल मुर्गा बन जा। मुर्गा तो सर सर आप तो शाकाहारी हो, मुर्गा के खाओ तुम। अरे उल्लू तू मुर्गा बन जा। रोजी उल्लू के मुर्गा बना है। अच्छा अजी मुर्गा मुर्गा तो अजी मुर्गा अजी मुर्गा अरे मुर्गा अरे मुर्गा। अच्छा मैं बाल को अब दूसरा सवाल बताओ, और मैं तू बता वास्को डी गामा कब आया था? जी सर जी, वास्को डी गामा सर जी जाडे में आया था। अबे तुझे कैसे पता? जी फोटो देखा था, कोट पहन रखा था। खड़ा हो जा। टेबल पे चाय किसने गिराई थी इसे अपनी मातृभाषा में बताओ। मातृभाषा मतलब मम्मी की भाषा, मम्मी की भाषा। हराम खोर, ये चाय किसने गिराई इसे तो बात तो ना। हाँ भाई। अरे खड़ा हो भाई। नहीं पढ़ रहा है या सो रहा है? अरे जो तुझे ही कह रहा हूँ मैं। अरे तुझे कह रहे हैं खड़ा। और जो ढक रख के किताब। हाँ जी सर जी। हाँ संदीप शराब नहीं पीता तो संदीप क्या है? क्या हुआ था? 1869 में, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। बैठ जा। हाँ मेरे लड़के भाई खड़ा हो जा। अरे तुझे ही कह रहा हूँ मैं। हाँ 1872 में क्या हुआ था? 1872 में गांधी जी 3 साल के हो गए थे। हाँ 3 साल के हो गए। बैठ जा, दो दिन रहेगा वैसे। बैठ जा। हाँ मेरे लड़के खड़ा हो जा। तमसोमा ज्योति घर में बताओ। अच्छा जी, इसका अर्थ तम सो जाओ और मैं ज्योति से मिलने जा रहा हूँ। बैठ जा। जी आ जाए। हाँ भाई आ जा, आ जा, आ जा। तो बहुत देर में आया और कहाँ चला गया? हाँ भाई आ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। रोल नंबर 3 आ रहा। अच्छा किसकी भैंस भी आई, कुछ ले रहा हूँ। हाँ तो आ जा, आ जा, आ जा, आ जा अंदर उसे। गुरु जी अंदर आ जाओ। हाँ भाई आ जा, आ जा। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, पर तू सुबह से हाथ आज मुझे तो ना बताया ना इसने। बताई थी सर जी, इनकी भैंस भी आई थी कल। तो भैंस भी आई तो सुबह से तो आना चाहिए। गुरु जी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अरे बहुत बढ़िया बात है, तुम ले आया तो लिया, या तेरे से बाद में बात करूंगा। अच्छा गुरु जी। हाँ भाई लड़के, इस श्लोक का अर्थ बताओ। ओह नो। हे पार्थ, त्वचा चापी हम चापी। गुरु जी मुझे ना पता इसका अर्थ, सारे मेरे से पूछे गए और किसी से पूछ लो, मैं ना पिटूंगा। अरे नालायक बैठ जा बस जा। नमस्कार। हां मैं बता बता। गुरु जी क्या पूछा? हे पार्थ त्वचा चापी मम चापी, रही है ना गुरु जी? हाँ। इसमें कहते हैं अर्जुन से श्री कृष्ण, इसमें कहते हैं कि अर्जुन तू भी चाय पी ले
और मैं भी चाय पी लूं, युद्ध बाद में करेंगे। गुरुजी यूरी देखो मैं चीज लात मारे खाने को देखियो। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया लगा तो यार, बहुत बढ़िया बालक है तू तो। वाओ अरे भाई गुरुजी मेरा मार रहे हो है। अरे भाई तू तो खींच लाया यार, वैसे भी बहुत बढ़िया खींच। अरे भाई तू तो खींच ले आया भाई जी। हां अरे भाई खींच कैसे ले आया तू गुरुजी? यो ऐसा तुमने बताई तो है, हमारे भैंस भी आई है, यो हमने लोई धर दी और उसका कुतिया मुंह मार गई तो मैं यहाँ फेंकना चाह रही। मैंने कहा फेंक तू क्यों गुरुजी को? इसे मत फेंकियो। और इसे क्यों ना फेंकूं फिर? गुरुजी मेरे दांत को वापस में पेशाब करे। अरे भाई इसने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, पर तुम मत करियो, इस वीडियो को लाइक जरूर करियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो, अगर जो ना करेगा ना तो यूं ही खींच खवा दूंगा उसे भी। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जरूर करना भाई।